ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है, और अगर इस मिठास में सुरों का तड़का भी लग जाए तो मिठास दो आतिशा हो जाती है। अपनी शख्सियत और आवाज़ के सहर में आप सबको जकड़ने के लिए एवरीबडी पुट योर हैंड्स टुगेदर, तशरीफ लाते हैं साहिर अली बग्गा। तुहाडे गाने सुन सुन के निके निके बच्चे खराब हो रहे ने। आप आए बाहर आई सरदार साहब ने तुहानू गल की तुसी अगे नहीं होए, फलक ने गल की तुसी बड़ा अगे हो के सुन रहे हो। होना चाहिए अगे, क्यों नहीं होना चाहिए जनाब। लेकिन मैं ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬੱਗੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਮਾਰਟ ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹਦਾ ਚੰਦ ਤਰਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਜੀ ਕਰਨੀ SHO ਸਾਹਿਰ ਅਲੀ ਬੱਗਾ। ਲੈ मैं जी दूसरे सोफे थे बग्गा भाई दे इंस्ट्रूमेंट आने ने। अगर आप सब थोड़ा पॉज दे तो मैं बता सकूं। देखिए वीरा जी, जो पॉज ना दे वो तो है ही नहीं, वहीद खान तो है नहीं, तो हम तो लाला तो है ही नहीं भाई। अच्छा देखिए, मैं सोच रही थी कि सिवाय ईद की छुट्टियों के हुकूमत ने आवाम को कोई ईद का पैकेज नहीं दिया, लेकिन हमें देखे एंटरटेनमेंट का भरपूर पैकेज हमारे पास मौजूद है। ईद की खुशियों को दुबला करने के लिए हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है। एवरीबडी, यू गाइस आर रेडी? रेडी। We have with us the ever gorgeous, the ever green, Resham ji. Ya Allah, ae mohabbat marda ch vi paida kar jehdi inna khawateen ch. Bagga saab vi aaye ne, unnu chahide sanu vi inj kar de, inj karke. ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਸ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅਦਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਜ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਰਵੱਟਾ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਈਦ ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਕੋ ਦੇਖਾ, ਅੱਜ ਆਪਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਯਾਦਾਂ ਵੀ, ਆਊਟਡੋਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ। ਯੈਸ, ਹਮਨੇ ਮਨੇਲਾ ਮੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇਕੱਠੇ ਕੀ ਥੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਅ ਲੋਟ ਫਰਮ ਹਰ। ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੇਟ ਟਾਈਮ। ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋ ਲਹਸਨ ਕੀ ਚਟਨੀ ਖਿਲਾਈ ਥੀ, ਵੋ ਮੈਨੂੰ ਬਗਾ ਭਾਈ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਯਹਾਂ ਵੀ ਸਟੋਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਵਧਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵਧਾ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਭ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਨਿਓਰ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਕੇ ਹਮ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕੁਕਿੰਗ ਕੇ ਵਲੌਗਸ ਬਨਤੇ, ਕਿਆ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਤੀ ਆਪ, ਇਤਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰਦਾਮ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਪ, ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੇਗੋ ਮੈਂ ਆਪ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੋਤੀ, ਕਿਆ ਬਣਾਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਤੀ ਹੂੰ ਬਿਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਸਾਰਾ ਆਪ ਪਕਾਣਾ। 500 ਬੰਦੇ ਕੇ ਲਈ ਬਣਾਤੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਜੀ, 500 ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਪੀਪਲ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇਗਾ ਘਰ? ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿ ਡਬਲ ਸ਼ਾਪਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਾਲਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ। मुझे ये बताइए कि जो चाहत फतेह अली खान साहब हिट हो गए, ये डिजिटल मीडिया का करिश्मा है या जुल्म? यार ये तो म्यूजिकी के साथ जुल्म है। जुल्म है ना? वैसे तो जुल्म ही हैगा, तुसी इस गल नु छड्डो के देखो वो कर की रहे ने। अच्छा, आपको बहुत पुरकशिश मुआवजा मिले और आपको ये कहा जाए कि दर्जन भर OSTs आपने चाहत फतेह अली खान के साथ बनाने। मेरा ख्याल है कि एक कुछ पल्लियों पैसे पे आके एक कहेंगे मैं उन्हें फेंटी लानी। अच्छा, मेरे में ये टैलेंट है वैसे। क्या आप उसको भी गवा देंगे? मैं गवा सकता हूँ उसको। आई नो इट। हाँ। एक सेकंड, बग्गा जी मेरे बारे में क्या ख्याल है, मुझसे कोई गाना गवा सकते हैं आप सोचें गाने का इशारा बना दूं मैं? बस फिर ठीक है। मैंने भी कोलैबोरेशन का सोचा था, फिर मैंने सुना है कि आप बहुत एक्सपेंसिव। ये शो पब्लिक हिट ना होवे, टैक्स लेना जरूर होएगा। भाई अल्लाह वास्ते भी किसी का गाना बना देंगे नहीं? बहुत दफा सर, ज्यादातर यही किया है। मौला दे वास्ते मेरा भी बना दी। हाँ, उनते इन्हें तो शेर बन गए हैं। अच्छा ही, हम बग्गों से दोस्ती कर लो, हम गुर सिखा देंगे हिट होने के। चाहत फतेह अली खान ही गाना गया, मैं तेन समझावा कि तब कैसा लगेगा ये? फिर सारे समझावा आखिर।
माशाल्लाह जिक्र किया कि छोटी उम्र आ गई और सिर्फ छोटी उम्र ही नहीं कद भी छोटा है और सिर्फ कद छोटा नहीं जेहन भी छोटा है। असल में यूके से पैदल आना आसान नहीं बंदा गिर जाता है। ए पाजी तुहाडे वाल इंज ने तुहाडे के फैन ने इत्थों तक तुहाडी टिंड की नहीं ये इन्हां दे वाल नहीं कि एक औरत है कि बड़ी पिछे मुंह करके बैठी हुई है। बहरहाल आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। मुबारक पगा जी, अरे आपने राहत के लिए बहुत तर्ज बनाई है, क्या आप मेरे लिए भी कुछ बनाएंगे? तर्ज नहीं, मर्ज बनावांगे। तीन गाने जो मेरे हिट हुए हैं, मैंने एक नई गाड़ी ली है। लगता है औरत पूरी खा गया तो बाल बार रह गए। चाह साहब इंटर द ड्रैगन चो तुसी ब्रूस ली दी अम्मी नहीं सी बने? जनाब मैं आपका गाना रीमिक्स करके आपको सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, क्या आप सब तैयार है? अच्छा, बाला तो लग रहा कोई चोरी बंदा देख रहा है। मैं तेनू समझावा के बेड़ा गर्क मैं तेरे बाजू लगदा जी। ये बात जी 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 तो यार मनाउना है बस जोड़ा तो ढोल मनाउना है। अल्लाह करे फिर भी भाभी लग जावे लग जावे। अच्छा ऋषभ जी, मेरी हुसन पे जो चार शेर हो जाए उनकी ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगी। जेदे नाल भी वाह पिया है ओयो लांदा दा पिया है। वाह वाह, डंगर भी फिर उधर गए ने जिथे बहुता का पिया है। मेरी मुंदरी मोड़ दे मैनू तेरा छला आ पिया है। कैसा शख्स है जो अल्फाज को बिगाड़ देता है, और क्या खूबसूरत अल्फाज अदा करती हैं, इतना खूबसूरत लबो लहजा और सोने पे सुहागा आपका जौक शायरी का। बंदे ने लम्बे वाल रखे होंगे ना, वाला ने बंदा रखे यार। हाँ मेरे गम तो उठा लेता है, गम खार नहीं, दिल पड़ोसी है मगर मेरा तरफदार नहीं। हाँ मेरे गम तो उठा लेता है, गम खार नहीं, दिल पड़ोसी है मगर मेरा तरफदार नहीं। जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई, जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई, घर में दरवाजा तो है पीछे की दीवार नहीं। आंख भर आए तो समझाते हैं दिल को ही हम, आंख भर आए तो समझाते हैं दिल को ही हम, मान लेता है कई बार गो हर बार नहीं। मेरी आंखें न जागती है न सोती रहती है, बड़े बड़े शहरों में से छोटी बड़ी बातें होती रहती है। लगता लॉलीपॉप नाई के पीपे च डिग गया। इधर आना पास है ना, अगर आपने जरा सा यूं अब किया ना ताड़ी विग लथ जानी। हेलो एवरीबॉडी, अगर आपने टीवी के ऊपर हमारा शो मस्तियाँ मिस कर दिया है तो यू स्टिल हैव अ चांस, आप जाए हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन का बटन ताकि जो लेटेस्ट एपिसोड्स हैं वो भी आपको मिलते रहें। सो गो देयर एंड एंजॉय मस्तियाँ।